बहादुरगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आंदोलनकारी महिला किसानों को ट्रक ने कुचला। तीन बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दो की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। डिवाइडर पर बैठी महिलाएं ऑटो का इंतजार कर रही थी, वो अपने घर जाना चाहती थी लेकिन तभी ट्रक ने सभी को कुचल दिया। दो महिलाओं की मौके पर मौत हो गई जबकि एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। कुल तीन महिलाओं की मौत हुई है जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। किसान आंदोलन में शामिल होने आई थी सभी महिलाएं। किसान रोटेशन के तहत वो वापस अपने घर जा रही थी। पंजाब के मानसा जिले की रहने वाली हैं महिलाएं और झज्जर रोड पर फ्लाईओवर के नीचे ये पूरी घटना हुई जहां तेज रफ्तार ट्रक भरा हुआ था और डस्ट हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इसे को जाना थी वापस स्टेशन इन्होंने मानसा जिले में वापस जा रही थी। छः सात बुढ़िया सीगियाँ वो ट्रक वाले ने फुटपाथ से बैठी थी उन्होंने और लेके ऊपर ट्रक चाड़ दिया। तीन दो तो यहाँ मर गई, एक अस्पताल में जाके मर गई, दो ठीक ने। उन्होंने अब वापस पंजाब जाना थी जानी वो फुटपाथ से बैठिया थी उत्थे जानी सवेरे एक टिप्पर आया शायद वो नींद आ गई अख लग गई जानी उखड़ी बजन कारण साड़िया माइया जिहड़ियां सत्त खड़ियां ते उन्हां दे उपर टिप्पर जा चढ़िया। उन्हां दे विचों तीन माइया शहीद हो गईयां अमरजीत कौर पत्नी हरजीत सिंह, गुरमेल कौर पत्नी भोला सिंह, सिंदर कौर पत्नी भाण सिंह। ते तीन माइया जिहड़ियां शहीद हो गईयां जिहड़ी इक उरे हॉस्पिटल आ के दो उठी दम तोड़ गईयां ते दो जख्मी ने जिन्हां दे विच गुरमेल कौर पत्नी मेहर सिंह, हरमीत कौर पत्नी गुरतेज सिंह। इन्हां दे विचों थोड़ी जिही गुरमेल सीरीयस थी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जगदीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगदीश, फिलहाल वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं और जो महिला गंभीर रूप से घायल है फिलहाल क्या वो खतरे से बाहर है और ड्राइवर की क्या कोई जानकारी? देखिए, जो महिला घायल है उसको पीजीआई रेफर कर दिया गया है। अभी ये नहीं कह सकते कि हालत क्या होगी क्योंकि गंभीर हालत को देखते हुए उनको पीजीआई यहाँ से रेफर किया गया है। और बड़ी बात है कि इस हादसे में तीन की मौके पे जान चली गई और एक महिला घायल है। टोटल छह महिलाएं थी जो कि दो सुरक्षित हैं जी। और लगातार ये सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। मैं इसका एक मुख्य कारण ये भी देखा जा रहा है कि जो ये डंपर है क्योंकि डस्ट का डंपर था इन पे कच्चे पक्के ड्राइवरों को रखा जाता है कि पैसे बचाने के चक्कर में मालिक लोग इन पे कच्चे पक्के ड्राइवर को रख लेते हैं। इस कारण सड़क हादसे आज की तारीख की बात करें तो ज्यादा बढ़ रहे हैं जी मोनिका। इसके अलावा ड्राइवर की कोई जानकारी अब तक साफ हो पाई क्योंकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया? देखिए, मालिक से बात होगी उसके बाद ही ड्राइवर का पता चल पाएगा कि ड्राइवर कौन है कहाँ से है। अभी तक मालिक से बात नहीं हुई है, पुलिस जानकारी जुटाने में लगी हुई है। मालिक को बुलाया जाएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ड्राइवर कौन था जी मोनिका। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।